नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूँ आपका दोस्त नीरज। आज एक नए फंड को हम लेकर आए हैं जिसके बारे में बातचीत करेंगे। ये अपने आप में थोड़ी सी नई कैटेगरी है लेकिन बहुत इंटरेस्ट है लोगों का, बहुत दिलचस्पी है इसमें। और इसका NFO खुला हुआ है, यानी पहली बार ये फंड आया है और इसका NFO खुला हुआ है निवेशकों के लिए। इसका नाम है यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इस फंड में जो यूनिवर्स है वो काफ़ी बड़ा होगा लेकिन उसके अंदर मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढे जाएंगे और वो इस फंड में रखे जाएंगे। इस फंड को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि जो बुल रन चल रहा है उसमें इस तरीके के फंड्स की बहुत पहचान होती है, बहुत ज़रूरत होती है और बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम बातचीत आज करेंगे प्रतीक ओसवाल से, जो मोतीलाल ओसवाल AMC के चीफ पैसिव फंड बिजनेस के हेड है, और डिटेल में बातचीत करेंगे प्रतीक से, समझेंगे कि ये फंड क्या है, क्यों लॉन्च किया है, इसकी प्रीमाइस क्या है। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले एक सवाल तो मार्केट पे बनता है कि इस वक्त मार्केट जो सबके लिए एक पहेली, एक पजल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। बहुत पैसे आ रहे हैं, US में कुछ हो रहा है, जापान में कुछ हो रहा है। तो प्रतीक बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये फंड जो आपका अभी खुला हुआ है 4 सितंबर से 18 सितंबर तक, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे बेहतर कौन समझा सकता है, तो फंड में समझे इससे पहले मार्केट समझाइए क्या चल रहा है मार्केट में। नमस्ते नीरज जी, शो में इनविटेशन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो मार्केट नो हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट दो से तीन सालों तक हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो बुल रन आए लास्ट 15 सालों में, वहाँ पे बहुत सारे मतलब लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होती है या फिर वैल्यूएशन बहुत महंगे हो जाते हैं। हमने देखा है कि ये जो हमारा बुल रन है लास्ट 3 सालों में, ये परफॉर्मेंस ड्रिवन रैली है। तो बहुत सारे हमारे जो कंपनियां हैं इंडिया में, उनके परफॉर्मेंस के का जो ग्रोथ आया है पोस्ट कोविड, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है। और हमें ये मानना है कि ये परफॉर्मेंस का जो कंटिन्यूएशन होगा वो भी अच्छा ही रहेगा नेक्स्ट 3-4 सालों में। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ये जो बुल रन हमारे आए लास्ट 10-15 सालों में, वो बहुत ही नैरो रैलीज होते हैं। पर इस बार हमने देखा है कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो फॉरगॉटन है, जैसे यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, बहुत सारे सेक्टर्स जिनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उनका भी परफॉर्मेंस, उनका भी बैलेंस शीट PNL का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा रहा है। तो बहुत ही ब्रॉड बेस ग्रोथ हम देख रहे हैं और इसके हिसाब से मार्केट भी ये वाले स्टॉक्स जो है उनको बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन दे दिए। हमें ये लगता है कि लास्ट 3-4 सालों का परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो हम बोलते रहते हैं हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कि नेक्स्ट 3 या 4 सालों में शायद जो पास्ट परफॉर्मेंस का जो बुल मार्केट आया, शायद वो मेरा परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं रहेगा। लेकिन हमें ये भी लगता है कि वेल्थ क्रिएशन तो आएगा, बट मे बी नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन जैसे हमने देखा है लास्ट 2 या 3 साल में, लेकिन वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट ओवरऑल। प्लस सवाल आप ले, एक्चुअली थोड़ा मैं बाद में ला रहा था लेकिन मैं ये सवाल अब यहीं पे पूछ लेता हूँ, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, खास तौर पे जो युवा इन्वेस्टर हैं, जो ये 15 करोड़ डीमैट की जर्नी वाले इन्वेस्टर हैं, कोविड के बाद आए हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली बहुत बढ़ी हुई हैं। इनको लगता है कि मार्केट में आने का मतलब ना बहुत ज़बरदस्त गेन, उनका तो मन होता है कि एक ही दिन में पैसा डबल हो जाए, लेकिन मार्केट की रियलिटी डिफरेंट होती है। तो एज ए फंड मैनेजर आप लोगों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होता होगा कि बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करना है लेकिन उनको थोड़ा सा समझाना और सप्रेस भी करना है कि भाई एकदम हवा के घोड़े में मत चलो। आप कैसे, आप लोग जब अपनी ये फंड प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं इसको, तो ये वाला जो थॉट आता है इसको कैसे एड्रेस करते हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा काम मोस्टली जो होता है वो इन्वेस्टर एजुकेशन होता है। करीबन 60-70% का हमारा जो टाइम स्पेंड होता है वो इन्वेस्टर एजुकेशन में ही होता है। लेकिन हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखते हो लास्ट 15 से 20 सालों में निफ्टी का परफॉर्मेंस हुआ है करीबन 13-15%, और हमारे हिसाब से बहुत सारे में जो निवेशकों को है उनको हम यही एक्सपेक्टेशन बोलते हैं कि जो भी हुआ है लास्ट 4-5 सालों में वो बहुत ही बुल मार्केट टाइप ऑफ मार्केट है। बट ओवर द लॉन्ग टर्म ये मार्केट का जो अल्टीमेट रिटर्न है वुड बी अराउंड 15-16%, सो उसको मान के आप निवेश कर सकते हो। हमें ये भी पता है कि बहुत सारे जो हमारे निवेशकों उनको स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, FNO में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम उनको बोलते हैं कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो है
आपका पोर्टफोलियो शायद आप 1 लाख का पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो करीबन 80 to 90% आप लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हो, जहां पे आपका वेल्थ क्रिएशन बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, अगर आपको स्टॉक्स खरीदना हो या फिर स्पेकुलेटिव स्टॉक्स या फिर एफएनओ करना हो, तो वो मतलब 5-10% का जो आपको जो कॉर्पस है उससे आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको सीखने में बहुत मिलता है कि मार्केट्स में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आप इंश्योर करते हो कि आपके लॉन्ग टर्म जो वेल्थ क्रिएशन है वो भी इंटैक्ट है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा है रिया है, और आई थिंक लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ये स्ट्रेटजी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। और इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को ये बता दूं मैं कि किसी भी टाइम फ्रेम का आप 3-4 साल उठाएंगे तो 12-15% का रिटर्न एवरेज मिलता है आपको। ये एक सच्चाई है मार्केट की, इतना ही आपको भी समझना चाहिए। अगर किसी 2 साल में मान लीजिए 30-35% रिटर्न आ गया, तो अगले 2 साल में फिर कम हो जाए तो एवरेज आउट होकर वही आएगा। तो इसलिए ये बात प्रतीक ने जो कही, इसको आप गांठ मान लीजिए कि एवरेज रिटर्न, और ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है, 12-15% रिटर्न आपको मिल गया ना, इससे बेस्ट रिटर्न माना जाता है। वॉरेन बफे भी इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो हम आप तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा सा अपने कल्पनाओं को, अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा संभालना चाहिए। प्रतीक, अब हम लोग बात करते हैं इस फंड के बारे में जो बिल्कुल नई कैटेगरी में है, और आप इसको लेके आए निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। पहले तो मतलब बताइए इसका क्या है ये फंड? हाँ जी, तो हमने ये न्यू फंड ऑफर निकाला है जिसका नाम है मतलब उस वन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इसका ये ETF भी हम लॉन्च करेंगे करीबन 1 या 2 हफ्ते में। तो दोनों ऑप्शंस है इन्वेस्टर्स को, ETF या फिर इंडेक्स फंड, आपके कन्वीनियंस के मुताबिक, आपके प्रेफरेंस के मुताबिक आप निवेश कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मोमेंटम, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है ग्लोबली। अगर आप US में देखते हो तो ये जो ये ओवरऑल कैटेगरी का नाम है फैक्टर फंड्स या फिर स्मार्ट बीटा फंड्स, और इसमें आपको दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है ये लो जो पैसिव फंड्स जो होते हैं उनका जो लो कॉस्ट नेचर है वो आपको ये फंड्स में मिलते हैं, और फिर ये फंड्स में क्या होता है आपको आउट परफॉर्मेंस का भी का बेनिफिट्स मिलता है। सो दिस दिस कैटेगरी फॉल्स इन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स, जहां पे आपको आउट परफॉर्मेंस भी मिलेगा लॉन्ग टर्म में, और आल्सो यू गेट द लो कॉस्ट नेचर ऑफ पैसिव फंड्स। सो ये कैटेगरी फैक्टर फंड या स्मार्ट बीटा फंड्स में बोलते हैं। तो ये अगर आप ग्लोबली देखते हो तो ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स के, करीबन $4 ट्रिलियन ये कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट्स है। और इंडिया में भी अगर आप देखते हो लास्ट 3 सालों में ये जो कैटेगरी है फैक्टर फंड स्मार्ट बीटा फंड्स, इनका बहुत ही मतलब ग्रोथ आया है। 3 साल पहले ये पूरा अगर आप कैटेगरी को मिलाते हो तो less than 1,000 crores का इन्वेस्टमेंट्स थे, आज की तारीख में close to 35,000 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आए ये कैटेगरी में। सो बहुत ही बड़ा कैटेगरी ग्लोबली इंडिया में ही बढ़ रहा है, और इस कैटेगरी में मोमेंटम एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है और बहुत ही पॉपुलर है। मोमेंटम होता क्या है? ये होता है बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जहाँ पे जो लास्ट 6 से 12 महीने में जितने भी ये स्टॉक्स है जिनका प्राइस मोमेंटम बहुत ही अच्छा रहा है वो ये पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स आते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्स है जो निफ्टी 500 का यूनिवर्स है उसमें से 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनता है, जिसमें 50 स्टॉक जिसमें सबसे हाइएस्ट प्राइस मोमेंटम है उसमें आप निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड द्वारा। ओके, तो 500 के यूनिवर्स में से 50 चुने जाएंगे जो इसमें होंगे, और वो पिछले 12 महीने में जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो इसमें फिल्टर क्या लगाएंगे आप? मतलब ग्रोथ, वैल्यू, मोमेंटम, अंडर वैल्यूड, कैसे इसको चुनेंगे कि वो 50 केवल प्राइस मोमेंटम में होंगे या उनके पीछे भी कोई बैकग्राउंड होगा? हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका आप अगर आप मेथोडोलॉजी देखते हो तो ये फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट, ये पैसिवली मैनेज फंड है। सो इसमें कोई फंड मैनेजर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम सिर्फ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का जो इंडेक्स है उसको हम रेप्लिकेट करते हैं पोर्टफोलियो में। तो इसका मेथोडोलॉजी क्या है? इसका मेथोडोलॉजी है कि हम यूनिवर्स देखते हैं जो निफ्टी 500 है, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज है, और उसमें से 50 कंपनियां हैं जिसमें हाईएस्ट वॉलिटी एडजस्टेड मोमेंटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ मोमेंटम को देखते हैं तो फिर बहुत सारे ये जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स आ जाते हैं, तो दिस इज एडजस्टेड फॉर वॉलिटी, और उसके बाद एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनता है जो साइज के हिसाब से हम स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ पोर्टफोलियो है।
जिसमें आपके ये जो 50 मोमेंटम स्टॉक्स है उसमें आप निवेश करते हो। ओके तो प्रतीक, अब इसमें चूंकि इंडेक्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और पैसिव फंड है ये, क्या आपको लगता है कि जिस यूनिवर्स में ये है उसमें ये पूरी मार्केट के उस मोमेंटम, उस ग्रोथ को कैप्चर करता है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, इन आउट का प्रोसेस क्या होगा? हाँ जी। तो क्या होता है नीरज जी, के ये जो इंडेक्स है ये साल में 2 बार रीबैलेंस होता है। तो इसका मतलब है कि जून और दिसंबर में ये 2 रीबैलेंसेस होते हैं, जिसमें बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनका अगर मोमेंटम खत्म होता है या फिर मोमेंटम फ्लैटन होता है या फिर मोमेंटम डिक्लाइन में जाता है तो वो ये इंडेक्स से बाहर निकल जाएंगे, और जो नए स्टॉक्स हैं जिनका मोमेंटम बहुत ही अच्छा है वो इस इंडेक्स में जुड़ जाते हैं। तो इसका ये होता है रिबैलेंसिंग प्रोसेस। ये हमने देखा है कि ये जो हमारा ये जो मार्केट का जो सेक्टर रोटेशन और मार्केट के साइकिल्स आज की तारीख में बहुत छोटे हो गए हैं, तो ये इस इंडेक्स का चर्न बहुत थोड़ा ज्यादा है, करीबन 100% चर्न है। तो अगर आप देखते हो हर साल अगर आप ये इंडेक्स को देखते हो तो आप सारे स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं। तो दिस इज वाई इट्स अ वेरी डायनामिक स्टाइल ऑफ इंडेक्स। तो हमने देखा है कि जो स्ट्रेटजी है, मोमेंटम एज अ स्ट्रेटजी, बहुत ही यूनिक है, बिकॉज ये जो भी चल रहा है बाजार में उस पे वो लैच पकड़ देता है। तो अगर आज के तारीख में वैल्यू स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं तो मोमेंटम वैल्यू स्टॉक्स खरीदा, अगर क्वालिटी स्टॉक अच्छे कर रहे हैं तो मोमेंटम क्वालिटी स्टॉक्स खरीदेगा, अगर लार्ज कैप्स अच्छे कर रहे हैं, लास्ट 6 महीने में हमने देखा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है तो ये लार्ज कैप ओरिएंटेड हो जाएगा, और अगर स्मॉल कैप स्टॉक अच्छे करे तो ये तो स्मॉल कैप्स का एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो बहुत ही डायनामिक फंड है, बहुत ही स्टाइल एग्नोस्टिक फंड है, बहुत ही कैप एग्नोस्टिक फंड है। सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पे भी परफॉर्मेंस आ रहा है उसमें ये फंड लग जाएगा, और बहुत ही सेक्टर स्पेक्टर एग्नोस्टिक फंड है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं इनका परफॉर्मेंस बहुत ही साइक्लिकल रहता है। हमने देखा है कि अगर आप 2020 में जब कोविड आया था तब हेल्थ केयर इंडेक्स बहुत ही अच्छा, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था, और वो उसका एक्सपोजर ये इंडेक्स में करीबन 40% था। नेक्स्ट ईयर ऑयल एंड गैस कमोडिटी बूम भी था 2021 में, तो उसका एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा था ये फंड में। सो ये फंड में आप अब देखोगे कि सेक्टर रोटेशन बहुत ही अच्छा है, स्टाइल रोटेशन भी अच्छा है, और कैप रोटेशन भी रहता है। तो इट्स अ वेरी गुड डायनामिक फंड टू हैव इन अ पोर्टफोलियो, और इसका बहुत सारा मतलब इट्स बहुत ही अडेप्टिव फंड है हमारे मार्केट के हिसाब से। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, निवेशकों को समझना चाहिए कि अगर एक ऐसा फंड है जो केवल परफॉर्मेंस को अपने अंदर लेता है, विच इज़ मोमेंटम, तो उसमें फिर वो साइक्लिकलिटी है या कोई चीज़ है तो वो इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कैप्चर होगी और इंडेक्स उनको अंदर बाहर करता रहेगा। प्रतीक, इस फंड में चूंकि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं तो मुझे ये समझना है आपसे कि कोई इवेंट मान लीजिए है, कोई ग्लोबल इवेंट है या कोई डोमेस्टिक इवेंट है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा इसमें? हाँ जी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने देखा है कि अगर आप हमारे जो इक्विटी मार्केट्स के साइकिल्स का देखते हो, 3 साइकिल्स रहते हैं। एक तो बहता है बुल मार्केट, दूसरा है बेयर मार्केट, और तीसरा है रिकवरी मार्केट, जो बेयर और बुल मार्केट के बीच में होता है। और ये जो हमारा एक ये इंडेक्स है या स्ट्रेटजी मोमेंटम है, ये अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट्स में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर आप देखते हो बुल मार्केट्स में जब भी मार्केट का परफॉर्मेंस से 15-20% से ज्यादा होता है कैलेंडर ईयर बेसिस में, ये फंड का आउट परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा रहता है। तो हमारे लास्ट 15-20 सालों में जब भी मार्केट 15-20% के ऊपर रहता है एक साल में, तो ये फंड का ये इंडेक्स का आउट परफॉर्मेंस होता है 20-25-30-35%। लास्ट ईयर द आउट परफॉर्मेंस था करीबन 40% ओवर ब्रॉड बेस्ड, जो हमारा निफ्टी 50 ऐसा फंड हो। सो बुल मार्केट में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसलिए हमारे हिसाब से हम बहुत सारे निवेशकों बोलते हो कि ये जो फंड है इसको टाइम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप बुल मार्केट से में टाइम नहीं किया तो फिर आपका बहुत सारा आउट परफॉर्मेंस आपका नहीं आएगा ये फंड में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो ये है। दूसरा है कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो बेयर मार्केट जो होते हैं, जहाँ पे इंडियन मार्केट्स का जो इम्पैक्ट रहता है, या फिर अगर हम बेयर मार्केट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फंड जो भी हमारे स्टेबल सेक्टर्स है जैसे हेल्थ केयर, जैसे कंज्यूमर,
उसमें उनका जो परसेंटेज वेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो यू नो वो तो जो हमारे बहुत सारे सेफ स्टॉक्स है जो नॉन साइक्लिकल है यू नो इस इंडेक्स में जुड़ जाते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही स्टेबल रहता है और यू कैन एक्सपेक्ट डिसेंट परफॉर्मेंस। पर हमने देखा है कि हिस्टोरिकली ये फंड का परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस रहता है बुल और रिकवरी मार्केट में, बेयर मार्केट में हमने देखा है कि अंडर परफॉर्मेंस रहता है इंडेक्स के बराबर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसिव फंड में फ्यूचर इवेंट को कैसे डिस्काउंट मिलता है, कैसे उसको प्रीएम्प्ट किया जाता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में। अच्छा प्रतीक, अभी एक चीज़ और समझाइए, चूँकि निवेशक सुनना भी चाह रहे होंगे कि एक पैसिव फंड या इस तरह के जो फंड है और एक जो बहुत एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है बेसिकली? हाँ जी, सो यू नो अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखते हो तो हमारे इंडस्ट्री में दो टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स। यू नो एक्टिव फंड्स में क्या होता है कि आपका जो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक फंड मैनेजर आपको एलोकेटेड होता है, और फंड मैनेजर टेक्स अ कॉल अबाउट कौन सा स्टॉक खरीदना है कौन सा स्टॉक बेचना है। तो फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपका पैसा डिप्लॉय होगा हमारे मार्केट्स में। पैसिव फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं रहता है, आप सिर्फ इंडेक्स के मुताबिक आपका रिटर्न जनरेट होता है। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप पैसा डालते हो तो अगर निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस रहता है 10% दिस ईयर, तो आपका भी परफॉर्मेंस उतना ही रहेगा। सो आपका रिटर्न और इंडेक्स का रिटर्न बहुत ही बराबर रहता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पैसिव फंड में क्या है, बहुत सिंप्लिसिटी है वो स्टाइल में। अगर आपको 20 25 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करना हो तो पैसिव फंड्स के लिए क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करके आप यू नो भूल सकते हो, तो वो बड़ा सा एडवांटेज है। दूसरा है कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है पैसिव फंड्स में बहुत ही कम रहता है। तो यू नो बहुत सारा पैसा आपका निवेश होता है मार्केट्स में, और पैसिव फंड्स में कैश एलोकेशन जीरो होता है, तो आप 100% एलोकेटेड होते हैं मार्केट्स में एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स। बहुत सारे लोगों ने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में जानना वो जानते हैं, लेकिन यू नो बहुत सारे इंडेक्सेस है इंडिया में आज करीबन 400 से 500 डिफरेंट इंडेक्स फंड और ETFs है। हमारे पास मिड कैप इंडेक्स फंड्स है, लार्ज स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स है, मल्टी कैप है, सेक्टर थीमेटिक इंडेक्स फंड्स है, इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स भी है। सो बहुत सारे कैटेगरीज में आज इंडेक्स फंड्स बन गए हैं, और यू नो इन्वेस्टर्स को यू नो अगर आपको सिर्फ एक सिंपल सा म्यूचुअल फंड खरीदना हो कोई भी कैटेगरी में, तो वहां पे एक इंडेक्स फंड है आपको निवेश करना। तो बड़े इंटरेस्टिंग ये सवाल, एक एक्चुअली एक नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रियम्पशन था ये कि इसमें टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का फायदा है क्या? इस ऐसे फंड किसी फ्यूचर इवेंट को प्रियम्प्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, तो ये फंड मतलब प्राइस के मुताबिक निवेश करता है। तो यू नो अगर प्राइस कोई भी फ्यूचर इवेंट है और उसका इम्पैक्ट बहुत सारे स्टॉक प्राइसेस पे होता है करंटली, तो वो इम्पैक्ट ये फंड में आ सकता है। फॉर एग्जांपल यू नो ये फंड में करीब लास्ट दिसंबर में करीबन 35% एक्सपोजर था स्मॉल कैप कंपनीज में, लेकिन आज की तारीख में ये स्मॉल कैप एक्सपोजर बन गया है less than 5%। बिकॉज लार्ज कैप का यू नो आई थिंक लार्ज कैप रैली हुआ है लास्ट 6 से 12 महीने में, तो लार्ज कैप एक्सपोजर बढ़ गया है। तो हमारे हिसाब से क्या है, मार्केट्स बहुत ही एफिशिएंट है और मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग। तो यू नो भी जो रिस्क फैक्टर जो होते हैं मार्केट्स के लिए वो मार्केट प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होते हैं, और वो रिफ्लेक्शन ये मोमेंटम फंड में आप देख सकते हो, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो भी बहुत ही डायनामिकली चेंज होता है। तो मेरे हिसाब से यू नो फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स में तो कोई भी फंड शायद प्रिपेयर नहीं होगा हमारे हिसाब से। एक दूसरा, अगर आपको ये जो कैटेगरी है फैक्टर फंड्स, यहाँ पे बहुत सारे फंड्स है, आपने बात किया था वैल्यू फंड, क्वालिटी फंड, लो वॉल फंड, मोमेंटम फंड, हमने देखा है कि बहुत सारे जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स है जिनको डाउनसाइड प्रोटेक्शन लेना है, या फिर वो वॉलिटिलिटी से बाहर आना चाहते हैं, तो उनके लिए
लाइक लो वॉलिटी फंड जहाँ पे बहुत सारे स्टेबल कंपनियां में इन्वेस्ट होता है, या फिर क्वालिटी फंड जहाँ पे सिर्फ हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। बट ओवरऑल हमने देखा है कि ये सिर्फ प्राइस को देख के इन्वेस्ट करता है और कुछ नहीं। प्रतीक, एक चीज़, अब इसमें जो टैक्स कंप्लायंस या टैक्स के रूल्स हो, सब नॉर्मल जैसे दूसरे फंड के वैसे इसमें है या कोई चलो चेंज है इसमें? नहीं, सो जनरली आपका जो एक्विटी फंड टैक्सेशन है वो इसमें अप्लाई करेगा, और यहाँ पे एक एग्जिट लोड है। आई थिंक फर्स्ट 15 दिन के लिए आई थिंक 1% का एग्जिट लोड है, बट उसके बाद कुछ है नहीं। तो वेरी स्टैंडर्ड फंड स्ट्रक्चर है, कोई भी या दैट्स वेरी या सिंपल स्ट्रक्चर। नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं कि अभी हर महीने डेटा आता है, दबा के पैसा आ रहा है, ज़बरदस्त पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, आप लोग कैसे मतलब खुश होते होंगे, अरे हर महीने SIP बढ़ रही है, लोगों की इक्विटी में बहुत पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे फॉरेन वाले FIIs ये बिल्कुल दुखी है बेचारे, क्यों नहीं लगा रहे हैं पैसे? हाँ जी, सो हमारे हिसाब से जो रिटेल रेवोल्यूशन है, हमारा जो अभी चल रहा है हमारे कंट्री में, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और उसके हिसाब से हमने देखा है कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट होल्डर्स, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, जो नए फोलियोज, लास्ट लास्ट मैंने हमारे AMC में करीबन 3 लाख के प्लस नए नए फोलियोज क्रिएट हो रही है हुई है। सो आई थिंक लॉट ऑफ डिमांड आया म्यूचुअल फंड्स में, और हमारे हिसाब से आई थिंक ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। हमारा बेस इफेक्ट स्टिल अभी तक बहुत ही कम है। हमने कोविड में देखा था कि सिर्फ 3 साढ़े 3 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स थे, आज आई थिंक 15 करोड़ हो गए। सो हमारे हिसाब से बेस अभी तक लो है। हमारे हिसाब से अगर वेल्थ क्रिएशन करना हो तो इक्विटीज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और एज हमारे कंट्री ग्रो हो रही है और बहुत सारे जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आ रही है, सेविंग्स पूल बढ़ रहा है, ये नंबर नेक्स्ट 3 4 5 सालों में बहुत बहुत इंक्रीज होगा। तो आई थिंक ओवरऑल ऑल्सो हमने देखा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं इंडिया में। आई थिंक लास्ट 2 या 3 सालों में आई थिंक ग्लोबली US के अलावे इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ आ रहा है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट जो ये गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है बहुत ही पॉजिटिव है, और हमारे हिसाब से नेक्स्ट सालों में सेंटिमेंट कंटिन्यू टू बी वेरी पॉजिटिव। हमारे ऑन्टरप्रिनरशिप बहुत 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 ही पॉजिटिव है, बहुत ही एनर्जाइज है। तो जब मैं बहुत सारे ऑन्टरप्रिनर्स को मिलता हूँ, वो जो एनर्जी जो मैं देखता हूँ वो बहुत ही पॉजिटिव रहती है। सो आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छा है। हमारे हिसाब से आई थिंक वी शुड एंजॉय दिस, वी शुड मेक श्योर दैट वी आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ थ्रू म्यूचुअल फंड्स। हमने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रेफर म्यूचुअल फंड्स ओवर जी स्टॉक्स, बिकॉज बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, पैसिव इनकम आप कर सकते हो। सो नंबर्स बहुत ही अच्छे देख रहे हैं, और मार्केट्स का बढ़ावा भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बैंकर्स एनवी, AMC प्राइड, ये आजकल चल रहा है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन हो रहा है इसमें कोई शक नहीं है, और इक्विटी का हिस्ट्री और डेटा बताता है कि इससे अच्छा वेल्थ क्रिएशन कहीं हो नहीं सकता है। तो प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए फंड के लिए। तो फायदेमंद फंड्स में इस हफ्ते ये हमने बातचीत की एक नए फंड के बारे में, अगले हफ्ते फिर एक और नया फंड होगा, एक नए फंड में से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।